नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आप देख रहे हो एसेस क्रिक फैंटेसी। यहाँ पर मैं आपको मैच से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूँगा, जिसके मदद से आप एक बेहतरीन फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। आफ्टर टॉस, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, कुछ फर्दर अपडेट, ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ। इसके अलावा स्मॉल लीग का टीम एंड कौन सा प्लेयर आज आपका ट्रंप पिक हो सकता है, ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ। इसीलिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लिंक के थ्रू हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल पर मैं हर रोज़ इंपॉर्टेंट मैच का वीडियो बना के कवर करता हूँ और सारे के सारे स्टैट, मतलब ईच एंड एवरी स्टैट, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेयर का रिसेंट पॉप, सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसके मदद से आप ना से स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में भी एक अच्छा खासा विन कर सकते हो। इसीलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मैच प्रेडिक्शन, जो खेला जाने वाला है 25 मार्च 6:30 पर सुबह। मतलब सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। कहाँ पर? ईडन पार्क। ईडन पार्क पर है, ईडन गार्डन पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ईडन पार्क ऑकलैंड न्यूजीलैंड पर खेला जाने वाला है। आप देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। ईडन पार्क का जो पिच रहता है ना, वो जनरली फ्लैट सरफेस रहता है, मतलब आपको ज़्यादा रन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बाउंड्री है ना, ये थोड़ा शॉर्ट बाउंड्री है, इसीलिए आपको ज़्यादा स्कोर देखने को मिल जाएगा। और ये आउटफिट है ना, आउटफिट थोड़ा स्लो है, लेकिन बाउंड्री छोटा होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। और शुरुआत में पेसर को थोड़ा स्विंग और एडवांटेज मिलने वाला है। बेसिकली ये पिच बैट्समैन के फेवर में ही जाने वाला है। आप देख लेते हैं इस पिच के ऊपर कुछ ओडीआई का स्टैटिस्टिक। अभी तक यहाँ पर 75 मैच खेला जा चुका है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने 30 टाइम्स एंड बैटिंग सेकंड करते हुए टीम ने 43 टाइम्स मैच ओन किया है। पहले इनिंग्स की एवरेज रन की बात करें तो 221 है, और हाईएस्ट रन ऑस्ट्रेलिया का है 336, और लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है 73 पर ऑल आउट। आप स्कोरिंग पैटर्न देख लीजिए, आपको पिच के बारे में बहुत करीब से जानकारी मिल जाएगा। 200 से बिलो 25 टाइम्स, 200 टू 249 27 टाइम्स, 250 टू 299 17 टाइम, अबव 300 6 टाइम रन गया है। तो आप तो सवाल करने लग जाओगे, मैं अभी आपको बोला ये बहुत ही हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पर आपको लगभग 280 प्लस रन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्कोरिंग पैटर्न है 200 से बिलो 25 टाइम्स गया है। पहले जो स्टेडियम का नेचर था ना, ये बहुत ही स्लो ही करता, यहाँ पर रन आपको नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आगे चलते हुए ये थोड़ा हाई स्कोरिंग वेन्यू बन गया है, और इस मैच में भी आपको 280 प्लस रन देखने को मिल जाएगा इजीली। पिछले कुछ मैच का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। 2020 में 25 नवंबर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक मैच खेला गया था, जहां पर इंडिया ने 306 किया था और न्यूजीलैंड ने वो रन भी चेज कर दिया था। आप समझ सकते हो 300 चेस ओडीआई में चेज करना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था यह थोड़ा हाई स्कोरिंग वेन्यू अभी बन गया है। ये 2022 का रिकॉर्ड है, और 2020 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एक मैच हुआ था, जहां पर न्यूजीलैंड ने 270 किया था और इंडिया ने वो रन चेज नहीं कर पाया था। मतलब इस मैच में भी आपको स्कोरिंग देखने को मिला था, लेकिन 2017 से आगे आपको रन नहीं देखने को मिलता था इस स्टेडियम पर, इसीलिए थोड़ा जो एवरेज है ना, वो थोड़ा आपको कम देखने को मिला था, लेकिन इस मैच पे आपको 280 प्लस स्कोर देखने को मिल जाएगा। आप देख लेते हैं न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद रिसेंट फॉर्म, विद हेड टू हेड रिकॉर्ड, विद वेन्यू रिकॉर्ड, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिन एलन के साथ आपको विली यंग को ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा। फिन एलन का ये रिसेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो, ये थोड़ा हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, जब चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, और जब फ्लॉप हो जाता है तो आपको सिंगल डिजिट में भी रन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विली यंग है, विली यंग का फॉर्म आप देख सकते हो ठीक ठाक फॉर्म है, ये टेस्ट मैच का फॉर्म है, उतना भी टेस्ट मैच में उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओडीआई में 8 मैच में 240 किया था और 40 की एवरेज है। ओडीआई में 40 की एवरेज ठीक ठाक होता है, आप सभी लोग जानते हो, इसीलिए आप चाहो तो इसको स्मॉल लीग के टीम में पिक कर सकते हो। नंबर 3 पर आपको डैरी मिचेल को देखने को मिल जाएगा, जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपको कुछ रन दे मतलब पॉइंट दे सकते हैं, और ये स्मॉल लीग में एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। इसका रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दिया था, आप देख सकते हो ये टेस्ट मैच का फॉर्म था। उसके बाद लाथम है, लाथम का फॉर्म आप देख सकते हो, और लाथम ओडीआई मैच में ठीक ठाक मतलब फॉर्म दिखाता है अपना, और लाथम कैप्टन भी है। उसके बाद गैलन फिलिप्स है, गैलन फिलिप्स का ये रिसेंट फॉर्म है, ये
मतलब टेस्ट मैच का फॉर्म है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है, इसीलिए ये स्मॉल लीग की टीम में एक मास्टर पिक होने वाला है। उसके बाद नंबर 6 पर आपको रिचर्ड रविंद्र को देखने को मिल जाएगा, ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो। उसके बाद सिप्ली है, हेनरी सिप्ली का ये फॉर्म है आप देख सकते हो, बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग में भी आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं। और ये इसका रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिया है, फिलहाल आप चाहो तो इसको स्मॉल लीग की टीम में पिक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। और इसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, अगर आपने इसको पिक कर लिया और इस तरीके का ये मतलब आपको ये पॉइंट देने ही वाला है, ये आपको फ्लॉप होते हुए नहीं देखने को मिलेगा, बैटिंग से तो नहीं बॉलिंग से आपको पॉइंट दे ही देगा, इसीलिए इसको आप पिक करके ज़रूर चलना। उसके बाद ईश्वरी का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस पिच के ऊपर ईश्वरी का उतना इंपॉर्टेंट पिक मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप चाहो तो ईश्वरी को पिक कर सकते हो, ये विकेट टेकिंग बॉलर है। बेन लिस्टर है, बेन लिस्टर का ये रिसेंट फॉर्म है, मतलब ये फर्स्ट क्लास का फॉर्म है आप देख सकते हो, 28 मैच पे 67 विकेट, और रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो भैया T20s का फॉर्म है, एक एक करके विकेट लिया और पिछले मैच में 2 विकेट और पिछले मैच मतलब विकेट लेस गया था। उसके बाद ब्लेयर टिकनर है, ब्लेयर टिकनर का ये रिसेंट फॉर्म है, टेस्ट मैच का फॉर्म है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट लिया है, आप मतलब इसको पिक करके ज़रूर चलना। उसके बाद मैट हेनरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, और ODI में रिकॉर्ड देख लीजिए, 65 मैच में 116 विकेट, मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप का ये बॉलर है और टीम में ज़रूर। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग बॉलर मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा मैट हेनरी और ब्लेयर टिकनर, और डेथ में बेन लिस्टर के साथ आपको मैट हेनरी और ब्लेयर टिकनर को भी देखने को मिल जाएगा। बेंच पर कुछ प्लेयर है, आप चाहो तो उसका भी फॉर्म देख सकते हो, लॉकी फर्गसन मुझे लगता है इस मैच में अनअवेलेबल होगा, शायद दूसरे मैच से खेल सकता है, अगर लॉकी फर्गसन खेलते हैं तो उसका भी फॉर्म आप देख लीजिए। टॉम ब्लंडल है, टॉम ब्लंडल का भी फॉर्म आप देख सकते हो। आप देख लेते हैं श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद रिसेंट फॉर्म विद हेड टू हेड रिकॉर्ड विद वेन्यू रिकॉर्ड। प्रथम निशंका के साथ आपको फर्नांडो को ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा, प्रथम निशंका का ये फॉर्म है आप देख सकते हो, मतलब एक मैच को छोड़ के कुछ खास नहीं किया है, और ODI में 32 का एवरेज है आप देख सकते हो। उसके बाद फर्नांडो का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो। नंबर 3 पर कुशल मेंडिस है, कुशल मेंडिस का बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, और ODI में 31 की एवरेज है, ठीक ठाक है। उसके बाद नंबर 4 पर धनंजय डी सिल्वा है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। नंबर 5 पर चरित्र असलंका को आपको देखने को मिल जाएगा, असलंका का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो, मतलब एक मैच को छोड़ के कुछ खास नहीं किया है ये भी। उसके बाद दसरुन सना का है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं, ये इसका फॉर्म आप देख लीजिए, काफ़ी शानदार फॉर्म में है अभी, और ODI में 48 मैच में 26 की बैटिंग से एवरेज है और 15 विकेट भी है, इसीलिए ये भी एक मास्टर पिक होने वाला है। उसके बाद हसरंगा है, हसरंगा के बारे में आपको मैं क्या ही बोलूँ, सारे के सारे मैच में विकेट लिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, और बैटिंग से भी ये एक मतलब आपको कुछ रन करके दे सकते हैं, इसीलिए ये कैप्टन वाइस कैप्टन की एक परफेक्ट मटेरियल होने वाला है, खास करके स्मॉल लीग में। उसके बाद जमाई का करुणा रत्न है, ये बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी आपको कुछ मतलब पॉइंट दे सकते हैं आप, और ये डेथ में बॉलिंग करने आ सकता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद कुशन रजिता है, कुशन रजिता का ये फॉर्म है आप देख सकते हो, ये टेस्ट मैच का फॉर्म है। उस पर लहरू कुमारा, ये विकेट टेकिंग बॉलर है, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, ODI में 17 मैच में 20 विकेट चटका दिया था, और इसका फॉर्म आप देख सकते हो। उसके बाद महेश थिक्सना है, थिक्सना का ये रिसेंट फॉर्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस पिच के ऊपर थिक्सना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख लेते हैं ओपनिंग बॉलर, श्रीलंका की तरफ से पावर प्ले में लहरू कुमारा और कुशन रजिता को आपको बॉलिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा, डेथ में लहरू कुमारा का कन्फर्म है, कुशन रजिता के साथ चमाई का करुणा रत्न भी आ सकता है। बेंच पर कुछ प्लेयर है, जैसे कि एंजेलो मैथ्यूज हो गया, अगर मैथ्यूज खेलते हैं तो इसको पिक करना। उसके बाद कुछ प्लेयर है, इसका रिकॉर्ड आप देख सकते हो, पथिराना है, पथिराना का रिकॉर्ड आप देख सकते हो, मधुशंका अगर खेलते हैं तो ये मास्टर पिक होने वाला है, इसका रिकॉर्ड मतलब रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है आप देख सकते हो, अगर ये खेलते हैं तो ये आपका ट्रांस पिक हो सकता है। अब देख लेते हैं फैंटेसी टीम, विकेट कीपर सेक्शन से आपको टॉम लथम मिल जाएगा और कुशल मेंडिस मिल जाएगा, ये दोनों मास्टर पिक होने वाला है विकेट कीपर सेक्शन से। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से पथुम निशंका,
और गैलोन फिलिप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। अगर निकोल्स खेलते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये खेलते हैं तो इसका मतलब रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। चरित्र असलंका को आप फिलहाल ग्रैंडलिंग में ट्राई करना। फिन एलन, ये थोड़ा हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, जब चलता है तो खूब चलता है लेकिन आपको जब फ्लॉप होता है तब आपको सिंगल डिजिट में भी रन करते हुए मतलब दे सकता है। उसके बाद यंग को आप ग्रैंडलिंग में ट्राई करना और फर्नांडो को भी आप ग्रैंडलिंग में ट्राई करना। इन दोनों को स्मॉलिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन से हसरंगा, दर्शन सनका, डेरी मिचेल और धनंजय डी सिल्वा, ये चारों जो ऑलराउंडर है ना, ये मास्टर पिक होने वाला है। इन चारों बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देने वाला है। आप जमाई का कोरोना रत्नों को भी पिक कर सकते हो, ये भी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में आपको कुछ 20-30 रन का योगदान दे सकता है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से आप मैट हेनरी को पिक करना। इसका फॉर्म मैं आपको दिखाता, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया और काफ़ी अच्छा खासा विकेट चटकाता है। उसके बाद लहरू कमरा, ये भी ODI फॉर्मेट में खास करके इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, मतलब होने वाला है। उसके बाद इस सोडी को आप चाहो तो पिक कर सकते हो। आप ब्लेयर टिकनर और सिपली, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सिपली के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा, ये फ्लॉप नहीं जाने वाला है, ये अब मेरा गारंटी है। आप देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो विंदो हसरंगा, टेरी मिचेल और दर्शन सनका, ये तीनों कैप्टन वाइस कैप्टन के परफेक्ट पिक होने वाला है, क्योंकि ये तीनों बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है। इसके अलावा आप कुशल मेंडिस को कर सकते हो और टॉम लथन को भी कर सकते हो। ग्रैंडलिंग में आप पार्थुम निशंका को कैप्टन वाइस कैप्टन करना और गैलन फिलिप भी है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।